हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे मैसेज, कॉल, कमेंट्स कि सर आप फिजिक्स कब पढ़ा रहे हैं, सर आप फिजिक्स कब स्टार्ट करेंगे। तो लो, अब मैं आ गया हूँ फिजिक्स लेकर के भी। कमें आपको थंबनेल से तो मालूम चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग वही कवर करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं। बट उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बता दूं कि फिजिक्स में टोटल आपको साइंस में टोटल आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और 80 में 30 मार्क्स बायो से होते हैं, 25 फिजिक्स एंड 25 केमिस्ट्री होल्ड करता है। तो 25 तो हो गया हमारा फिजिक्स। मैं ये आपको बता रहा हूँ जो अभी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और 25 का जो है 5 मार्क्स का आपका फिजिक्स होता है, जिसमें के 13 मार्क्स जो है आपको पहला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी वो कवर करता है। अगर जिसने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, देन उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड ह्यूमन आई, ये तीन चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से लगा लिया, इसके सारे के सारे थ्योरम्स जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं वो, और सारे के सारे आपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन थ्योरी ये सब आपने लगा लिया है अच्छी तरीके से, तो फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स होल्ड कर सकते हैं, आप फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है उसके टॉपिक्स वो देखेंगे कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में टोटल कितने टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं वो हम लोग देखेंगे। और जो आपका जो 30% जो रिड्यूस हुआ है इस बार लॉकडाउन की वजह से, जो 30% रिड्यूस किया गया है, मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर नहीं करने हैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सबके लिए बता रहा हूँ, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो है हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी में टोटल कितने टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को कवर करना है। तो पहले एक बार एक नज़र हम लोग टॉपिक्स की तरफ कर लें। चचा थोड़ा रुके, कंट्रोल करें चचा अपने आप को। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है, प्रोड्यूस नहीं करना है हमें। तो कोई समझाओ यार चचा को, कोई बोलो, कोई रोके यार इन्हें। अरे अरे भैया, चचा होंगे तुम्हारे चचा। और ये क्या मतलब, जब से देख रहा हूँ जब से मतलब बेइज्जती किए जा रहे हो यार मेरी। बिजलियाँ देख रहे हो, बिजलियाँ फेंक के मारूंगा अभी, सूख के छुआरा हो जाओगे। सॉरी ब्रो, गलती हो गया, दोबारा नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस, दोबारा नहीं होगा। मगर आप बाहर कैसे आ गए, जैसे तुम आए वैसे आ गया मैं भी। अब आप जाएंगे तो फिर मैं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए, अब पक्का नहीं होगा। ठीक है, चचा गुस्सा गए तो थोड़ा चल जल्दी से अपन लोग अपना टॉपिक कवर करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि चचा और गुस्सा जाए। तो जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमें कवर करना है वो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, हर एक बात जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। देन हमें जो दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना। और चार्ज में ही आपको टाइप्स ऑफ जो है चार्जेस आ जाएंगे, तो फिर हम लोग वो भी देखेंगे। देन थर्ड टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट हमारा, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कवर करेंगे। देन जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जो है फोर्थ टॉपिक ये कवर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देन फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानेंगे कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इन सब के बारे में बहुत डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी लगाना है हम लोगों को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटल। देखिए, मेटल से करंट कैसे फ्लो करता है वो हम लोगों को जानना है कि आखिर क्या होता है उस मेटल में जो करंट फ्लो करता है। देन हम लोग ये देखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे वो क्या है कि मेंटेनिंग द कांस्टेंट पोटेंशियल एंड डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो हम लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक ये देखना है। इसके बाद का जो टॉपिक है कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपन बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक का क्या क्या सिंबल है,
कौन से चीज़ कैसे, सर बल्ब ही हो गया, तो बल्ब का सिंबल कैसा होगा सर्किट में, तो इसके बारे में पहले हर एक का सिंबल जानेंगे। हालांकि ये आपने पहले भी 8th क्लास में देखा होगा, करा होगा, फिर भी यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी सिंबल जो है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम, तो हम लोग फिर वो करेंगे सिंबल्स के बारे में जानने के जस्ट बाद जो है हम लोग फिर ये टॉपिक करेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग ओम्स लॉ भी करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। देन इसके बाद जो है हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे, रेसिस्टेंस के बाद जो है हम लोग रेसिस्टिविटी एंड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स वो हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टर, तो देन हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद जो है हम देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। बीच बीच में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अपने हर एक वीडियो में। पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोग जो है प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और उसको कवर करना। देन उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन आर हाउस, तो ये टॉपिक देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, वो हम लोग वो करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखेंगे, उसी को हम लोग जो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग वो जो है वो लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर उस टॉपिक के बारे में देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 1 में जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसके डेफिनेशन से लेकर हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे। देन डियर स्टूडेंट जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ब्रीफ उसमें डिस्कस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये दो टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इनके बारे में जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो है डियर स्टूडेंट हम लोग जो है बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड कहाँ से आया आखिर, तो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक, ये वर्ड आया है आपको ग्रीक से। तो सबसे पहले ये अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है, पता नहीं किया जा सका है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आखिर किसने डेवलप किया था, सबसे पहले किसने डेवलप किया है, इतना तो मतलब कि किसी को भी नहीं मालूम है, कहीं ना हिस्ट्री में मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं है। बट हाँ ये जरूर मेंशन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो ये वर्ड है ये जो आपका आया है, इसको जो सबसे पहले देखा गया था जाना गया इसके बारे में वो ग्रीक में जाना गया, तो ये वर्ड जो है ग्रीक से ही लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो जहाँ की इलेक्ट्रिक मीन्स जो होता है वो होता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग देख पा रहे होंगे कि ELECTRON है, इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये वर्ड जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है हमें ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जहाँ के इसका मीनिंग होता है चार्ज, तो चार्ज होता है इसके इसका मीनिंग। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इस जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इसको जो देखा गया इसके बारे में जो जाना गया 700 BC में जो है ग्रीक में ही अंबर को जब रब किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल इफेक्ट जो है वो पाया जाता है। देन 1600 में विलियम गिलबर्ट आए और उन्होंने जो है बताया कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा वो सिर्फ ना ही कि इसमें ही अंबर में ही पाया जाता है, हालांकि सारे के सारे जब भी अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जब अपन रब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप जब जैसे कि आयरन रॉड से ग्लास रॉड को जब सिल्क कपड़े में आप रब करते हो, है ना, तो जब उसको रब करते हैं तो उसमें भी हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पाया जाता है, मैं उसमें हम लोग देखते हैं। तो ये जो है बाद में विलियम गिलबर्ट आया उन्होंने ये बताया। देन इसके बाद जो है 1785 में चार्ल्स कुलम आए और उन्होंने जो है बताया कि जो अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है हमारा, तो इस सपोज टू चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम is what that inversely to the square distance between them, यानी कि जो हमारा जो चार्ज जो है अगर दो चार्जेज हैं, सपोज अगर एक चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है हमारा Q2, और Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है
अगर ये दोनों जो है आपस में फोर्स जो एग्जर्ट करते हैं तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो चार्ल्स कूलम ने बताया कि इनका जो डिस्टेंस है, सपोज इनका डिस्टेंस Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो R है अगर, तो Q1 से Q2 का जो हमारा फोर्स, इन दोनों चार्ज पे जो फोर्स पड़ेगा हमारा, तो वो क्या बनेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज वॉट दैट इन्वर्सली टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये जो है हमारा चार्ल्स ने कहा था, कि चार्ल्स कूलम ने बताया इसके बारे में। देन अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इसके बारे में जो है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा बोर्ड पर। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के का जो जितना भी हिस्ट्री था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बोल सकते हो बहुत ईजी वे में कि ये हमारा क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं चार्जेस के बारे में, तो यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ चार्जेस, और यू कैन से दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो अब बात आई कि आ गई फिजिक्स की, कि फिजिक्स क्या है। अगर अब कोई पूछ दे आपसे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो अब आप क्या बोलोगे। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि फिजिक्स क्या है, कहाँ से आया है, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, इन्वेंट कब हुआ था, फिजिक्स का मतलब क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चला जाऊँगा और क्या हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में डालें कि सर एक वीडियो जो है इसका डाल दीजिए। तो अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिला इसका, तो मैं ज़रूर इसका एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देख लो कि बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेस, जो कि हमें स्टडी मतलब चार्जेस के बारे में बताता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर इसका जो है दो सब ब्रांचेज हैं, और क्या है, जैसे कि सबसे इसका जो पहला है हमारा वो क्या है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमारे सिलेबस में है, मींस दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेबस है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में मैं बता दूं आपको, स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं ना कि ये होता क्या है। देखो स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, ये हो गया हमारा रेस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी अभी देखा था हम लोगों ने कि स्टडी ऑफ चार्जेस ना, स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी कि क्या हो गया, हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में है। ऐसे चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि क्या है जो हमारे रेस्ट में है, है ना, उसकी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने बचपन में भी इसका यूज़ बहुत सारा किया होगा, है ना, आपने इस तरह की एक्टिविटी भी देखा होगा। जैसे कि अगर जब अपन क्या करते हैं कि एक पेन, सपोज ये पेन है, और पेन को जब अपन रब करते हैं, है ना, हेयर में बहुत रब करते हैं, तो क्या होता है कि इसके एक कॉर्नर पर जो चार्जेज हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं यहाँ पर। और वो चार्जेस कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज क्या हो सकता है, इसमें डेवलप हो सकता है, तो वो डेवलप हो जाता है। देन क्या होता है कि अपन जैसे ही इसको पेपर के कॉन्टैक्ट में लेके जाते हैं तो क्या होता है कि उससे उसको अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे कि सपोज़ आपने करा होगा कि बचपन में एक स्केल से जो है अपन ने रब कर लिया, ये अगर मेरा स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, और इससे जो है अपन ने रब करा अपने हेयर पर, बहुत ज़्यादा रब किया, तो क्या होगा कि इस कॉर्नर पर क्या हो जाएगा कि चार्जेस जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं ये सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, तो इस कॉर्नर पर अभी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्केल के कॉन्टेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पेपर को इस स्केल के कॉन्टेक्ट में मैं लेके जा रहा हूँ, समझना इस बात को। तो इस पेपर में जो है अभी जो चार्जेस होंगे वो दोनों होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्जेस होंगे अभी इसके अंदर। बट हमें मालूम है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हम लोग बहुत अच्छे तरह जानते हैं। तो अब अगर यहाँ पर नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस के अंदर प्रोड्यूस हैं, तो जैसे ही इसको मैं कॉन्टेक्ट में लेके आऊँगा तो जो इसके अंदर के जो नेगेटिव होंगे उसको क्या करेगा, वो रिपेल कर देगा। तो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक कॉर्नर पर आ गया, है ना, एक साइड आके रह गया। और जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गया। अब जैसे ही ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि नेगेटिव मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो इन दोनों को फिर ये क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यही रीज़न है जो है उस जो अपन जब भी रब करते हैं, है ना, और रब करने के बाद जब उसके पेपर को उसके कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं तो वो उस पर अट्रैक्ट होने लगता है। मगर ये केसेस जो है आपके स्टील वाले स्केल पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा सर, वहाँ भी तो काम करना चाहिए। अगर अपन वहाँ भी रब करते हैं तो उसमें भी तो सर चार्जेस आने चाहिए, सर डेवलप होने चाहिए। फिर वहाँ पर जब चार्जेस डेवलप हो रहा है तो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, रीज़न है डियर स्टूडेंट्स के पीछे क्यों, क्योंकि स्टील क्या है हमारा, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे ही अपन ने रब करा उसमें, जैसे ही रब करा यहाँ पर जो है चार्जेस आना स्टार्ट हो गया, डेवलप होना स्टार्ट हो गया, देन स्टील क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन वो क्या करेगा, चार्जेस को धीरे धीरे, है ना, चार्जेस जो है यहाँ से धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चार्जेस धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर चार्जेस उतने हैं नहीं, बहुत कम चार्जेस हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब अपन इसको स्टील वाले को जब पेपर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, यही मेन रीज़न है। तो इसीलिए क्या है कि समझना बात को, कि हमारा जो ये है ना, ये इंसुलेटर होना ज़रूरी है। अगर ये इंसुलेटर हुआ तो काम करेगा। ये अपन जो है इंसुलेटर के लिए बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में, गुड कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट, ना, जो चार्जेस हमारे रेस्ट में हैं उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं। फर्दर इसके बारे में आपको 12th क्लास में बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। वहाँ पर आपका एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली थोड़ा सा पढ़ना है आपको 12th क्लासेस में। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसका भी जो है 12th में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ भी आपको पढ़ना है, बट यहाँ पर जो है यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, सिर्फ हल्का सा नॉलेज दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि वहाँ पर अभी जो है हमारा ये तो पहला टॉपिक मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा था, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत डीपली और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि इतना सिर्फ समझ लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स ये हो गया कि द फ्लो ऑफ एनीथिंग इट इज़ कॉल्ड करंट। कुछ भी फ्लो कर रहा है इट इज़ कॉल्ड करंट, वहाँ पर करंट है, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मगर जो चीज़ फ्लो हो रही है ना वो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ फ्लो हो रहा है तो अपन बोलेंगे क्या कि वो करंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते होंगे कि रिवर में, तो रिवर पर वाटर क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है और बहुत तेज़ में हो रहा है, एकदम स्पीड में वाटर फ्लो हो रहा, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो करंट है, बिल्कुल उसमें वाटर में करंट है, इट इज़ कॉल्ड वाटर करंट। व्हाट, वाटर करंट, तो ये वाटर करंट कहलाती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ फ्लो करेगा, कोई भी चीज़ जो फ्लो हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो करंट कहलाएगा। मगर अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि चार्जेज ना, चार्जेज मीन्स दैट फ्लो ऑफ चार्जेज, तो ये करंट हो गया हमारा फ्लो और ये हो गया हमारा चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस विथ
रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट पे फ्लो करना, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डीप में बहुत अच्छे तरीके से मैं तोड़ तोड़ के चीज़ें समझाऊंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानना है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हमारे इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है वो ज़रूर बताइएगा आप। और हो सके तो इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स जितना जितनी लोगों तक शेयर करना है जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।